राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का मसला शांत हो चुका है। अब राहुल गांधी इस मसले को शांत करने के बाद अब अगला नंबर उनका राजस्थान में लग रहा है, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट में चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को शनिवार को जयपुर भेजा था और ऐसा माना गया कि फिर से वहां दो दिन के दौरे पर राजस्थान जा सकते हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने ठान लिया है कि वे जल्द ही राजस्थान में पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के झगड़े का समझौता करके ही मानेंगे। सूत्रों की माने तो जल्द ही राजस्थान सरकार के गहलोत मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है, जिसमें कई मंत्रियों की छुट्टी होगी और सचिन पायलट के कई करीबियों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। दरअसल राहुल गांधी की एक टीम ने राजस्थान का पहला ही दौरा करके पूरा फॉर्मूला तैयार कर लिया है, कैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह कराई जाएगी और गहलोत सरकार के किन मंत्रियों की छुट्टी होगी। जिन मंत्रियों की छुट्टी होगी उनका पहले से ही इस बात का अंदाजा हो गया है। तभी तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, जो भी चाहो वो करवा लो, क्योंकि डोटासरा को पता चल गया है कि आने वाले दिनों में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी बनकर उनको मंत्रालय का जिम्मा दिया जा सकता है। दरअसल जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद बढ़ा था तो सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ पार्टी छोड़ने को भी तैयार हो गए थे। तब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कुछ वादे करके मना भी लिया था। हालांकि सचिन पायलट और उनका खेमा इन वादों को पूरा होने का कब से इंतजार कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि सचिन पायलट का इंतजार खत्म होने वाला है और कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को तीखे शब्दों में संदेश दे दिया है कि उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में सचिन पायलट विधायकों को जगह देकर इस मसले को यही शांत कर देना चाहिए। दरअसल राहुल और प्रियंका गांधी इससे पहले अशोक गहलोत से खुलकर कुछ भी कह नहीं पा रहे थे, लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में जिस तरह राहुल प्रियंका गांधी ने सिद्धू के पक्ष में फैसला लिया है, बता दे अब राहुल और प्रियंका वाली कांग्रेस बुजुर्ग नेताओं की मनमानी नहीं चलने देगी और उनको वही करना होगा जो कांग्रेस आलाकमान आदेश देगी। मीडिया के एक हल्के से खबर चल रही है कि अशोक गहलोत राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नए फॉर्मूले से खुश नहीं है और उन्होंने बगावती सुर भी अपना लिया है। दरअसल अशोक गहलोत किसी भी फैसले पर तभी हामी भरेंगे जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस मुद्दे पर बातचीत करेगी। यही वजह है कि अजय माकन और केसी वेणुगोपाल का राजस्थान का दौरा कैंसिल भी हो सकता है। राहुल और प्रियंका गांधी को लगता है कि पंजाब में जैसे उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का मसला हल कर दिया, उसी तरह सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी मसला हल हो जाएगा। शायद उन्हें पता नहीं कि राजस्थान पंजाब नहीं है और अशोक गहलोत का टर्न अमरिंदर सिंह नहीं है। दोनों जगह विवाद अलग अलग है, दोनों का सुलह का रास्ता नहीं निकल सकता। माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार में अपने 6 मंत्री बनाने का नाम भी सौंपा है और फिलहाल अशोक गहलोत से इन नामों पर अपनी सहमति नहीं जताई है और इनमें कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी मंत्रिमंडल विस्तार से छुट्टी भी हो सकती है, जिनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी होना फाइनल है। हालांकि वे सभी सचिन पायलट कैंप के ही विधायक है। इनको सचिन पायलट ने कहकर ही गहलोत सरकार में ही मंत्री बनाया था, तो वही कुछ लोग ऐसे भी है जिनका प्रमोशन भी हो सकता है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का गहलोत सरकार में कद बढ़ सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।